अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस, अगर आपका प्राइवेट सेक्टर MBBS या BDS में अप्लाई करने के लिए पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो आप अकेले नहीं हैं। इस सूरत हाल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। UHS एक अपनी बग्स और एरर्स और मिस्टेक्स का एक सिलसिला शुरू किए हुए है जिसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दे विल गिव यू एप्रोप्रिएट टाइम। अगेन, जो भी आपका टाइम मिस हो रहा है वो आपको एडिशनल सूरत में दिया जाएगा। और कितना हैरानी की बात है कि एक छोटे सा एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरर भी उनसे सॉल्व नहीं हुआ। इसमें मुझे कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि शायद कुछ करेक्शंस हैं जिनको वो करना चाह रहे थे, तो इसी वजह से भी शायद डिले हो सकता है। लेकिन उन्होंने आज रात का कहा था कि ओपन हो जाएगा, बट स्टिल 8 बज चुके हैं और ओपन नहीं हुआ। तो एक किस्म की डिसअपॉइंटमेंट भी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, और एक लेसन भी है कि UHS एज अ इदारा डिलीवर नहीं कर रहा। देखिए, अब इतना बड़ा एक सिस्टम है, स्टूडेंट्स क्या एक ऑनलाइन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऑनलाइन कर चुकी हैं और सबका सिस्टम चल रहा होता है। ये नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अब कितनी मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स ने प्रेफरेंस देनी होगी? 5,000 6,000 स्टूडेंट्स ने प्रेफरेंस देनी होगी। ये इतना ज़्यादा सर्वर लोड इस पर नहीं होना चाहिए कि एरर्स पे एरर्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ओवरऑल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल तसल्ली रखें कि इसमें आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा, और जब ओपन होगा तो इंशाल्लाह उसको भी अनाउंस करेंगे ताकि सारे लोग प्रेफरेंस दे सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।